खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है। बिजली विभाग की लापरवाही, सेक्टर नंबर 5 में कल शाम 7 बजे से लाइट गुल है। बिहानी स्टेडियम में लगे मेले का बिजली लोड ज़्यादा होने की वजह से कम पावर के लगे 2 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में जन आक्रोश है। यहाँ शिक्षा से जुड़े काफ़ी संस्थान हैं, जिसमें बच्चे का पढ़ाई में भी व्यवधान और कोचिंग में सही पढ़ाई नहीं हो पाने के कारण वार्ड के लोग परेशान हैं। सारी रात घरों के बाहर बैठकर रात आमजन ने बिताई है, तो वहीं अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है सेक्टर नंबर 5 में कल शाम को 7 बजे से लाइट गुल है। बिहानी स्टेडियम में लगे मेले का बिजली लोड ज़्यादा होने की वजह से कम पावर के लगे 2 ट्रांसफार्मर चल चुके हैं, वो कारण माना जा रहा है हादसे का। है कि कल शाम से 7 बजे से यहाँ पर सेक्टर नंबर 5 में लाइट नहीं है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जिनको हम बाहर बिठा कर पढ़ा रहे हैं, लाइट न होने की वजह से इतनी भारी समस्या आ रही है। 2 बार हम बिजली बोर्ड में फोन कर चुके हैं, अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। एक्शन साहब कह रहे हैं कि मैं भादरा में हूँ, बिजली बोर्ड के कर्मचारी कह रहे हैं कि 10 बजे तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है। तो इस तरह से सरकारी लापरवाही की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा है। कृपया इस ओर ध्यान दें। सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें।